हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ओम निटानी क्लब में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, जो कि एक बहुत ही छोटा प्रॉब्लम, बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, जो कि लोग समझ नहीं पाते इसमें, जिसमें सप्लाई वगैरह भी ओके है, फिर भी लोग छोटी सी प्रॉब्लम को, जो कि एक रेगुलेटर आईसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसमें वोल्टेज हटा भी नहीं है, वोल्टेज गायब भी नहीं हुआ है, सिर्फ वोल्टेज ओवर वोल्टेज के नाते इसमें ना ही कोई इंडिकेटर आ रहा है, ना ही कोई इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, स्टैंड बाय भी नहीं रिलीज हो रहा है। और ये छोटा सा प्रॉब्लम देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं वीडियो की तरफ। देखिए गाइस, बहुत बहुत माइनर प्रॉब्लम है जो कि जल्दी लोग समझ नहीं पाते। देखिए इसमें स्टैंड बाय का प्रॉब्लम है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है। और अगर आप वोल्टेज की बात करें तो देखिए वोल्टेज कहाँ कहाँ बन रहा है। सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें, देखिए सप्लाई, पावर सप्लाई 12 वोल्ट अवेलेबल है। और उसके बाद कॉइल देखते हैं, मतलब कॉइल देखते हैं, ये देखिए 5 वोल्ट का कॉइल है जिस पे भी 5 वोल्ट अवेलेबल है। और उसके बाद देखते हैं 1.2 वोल्ट इस वाले कॉइल पे, ये भी देखिए अवेलेबल है। और उसके बाद ये सप्लाई आईसी पे जो है 3.3 वोल्ट होना चाहिए, इस पे देखिए कितना वोल्ट है, देखिए 4 वोल्ट आ रहा है। और इसी ओवर वोल्टेज की वजह से कोई भी इंडिकेटर नहीं है। और इस पे जो है 3.3 वोल्ट कहाँ से आता है, इस रेगुलेटर आईसी से, इस रेगुलेटर आईसी पे इधर देखिए रहेगा 1.8 वोल्ट और इधर रहेगा 3.3 वोल्ट, जहाँ 4 वोल्ट से भी ज़्यादा है। तो ये 3.3 वोल्ट होना चाहिए, इसीलिए इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। इसके लिए तो हम सबसे पहले इसका जो है इस आईसी को चेंज करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं सबसे रेगुलेटर सर्किट को लगा देंगे 3.3 वोल्ट का। लॉग इन करके फिर से इसका वोल्टेज मेजर करेंगे, अभी देखिए 3.3 वोल्ट आ गया है, ये देखिए 3.3 वोल्ट आ गया है। और हम यहाँ से चेक करेंगे 3.3 वोल्ट आ गया है, और इस पर होना चाहिए 1.8 वोल्ट, ये भी सही है।
किसी मैकेनिक ने इसका जो है सॉफ्टवेयर आईसी के साथ भी छेड़छाड़ किया है, इसे निकाल के साथ से एक बार दूसरा लगा के चेक किया था, बता रहा था टेक्निकली। तो अभी ये प्रॉपर सोल्ड नहीं हुआ है, इसे एक बार हम थोड़ा क्लियरली सोल्ड करते हैं, इसके बाद देखते हैं। अब देखिए गाइस, हमारा इंडिकेटर आ गया है और उसके बाद अभी हमने इसका बैकलाइट वगैरह निकाला है। तो हम सबसे पहले बैकलाइट लगा के टीवी को ऑन करेंगे, जब पावर इसका साथ से पावर नहीं काम कर रहा है। चलिए ठीक है, हम रिमोट ला के देखते हैं इसमें। इस टाइम लाइट रिलीज हो गया है, लाइट जो है इसकी बंद हो गई है, इसका जो है बैक लाइट भी जल गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इसके अंदर बैक लाइट जल गई है। अभी तो हमने हालांकि LVDS नहीं लगाया है, तो अब हम इसे सेट करेंगे ऑफ और LVDS लगा के उसके बाद चालू करके देखते हैं आगे का क्या सीन है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिख के चल रहा है। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही माइनर प्रॉब्लम था इसका रेगुलेटर आईसी ख़राब होने की वजह से, जब ने कहा तो गाइस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तब तो भी दिक्कत रहेगा, सर्किट चलने में दिक्कत आएगी, और वोल्टेज अगर वोल्टेज बढ़ भी जाएगा तब पर भी दिक्कत रहेगा। और LCD LED में एक एक वोल्टेज मायने रखता है, अगर एक वोल्ट भी बढ़ गया तब तो, जैसे कि आप ध्यान रहेगा इसमें 3.3 वोल्ट चाहिए होता था, उसमें सिर्फ 4 वोल्ट होने के नाते इसमें जो है इसका स्टैंड बाई रिलीज नहीं हो पा रहा था। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया गाइस।